तो मेरे दड़बागला निवास स्थान पे हमने सभी जो जिला के हमारे जो भी ब्लॉकों के प्रधान हैं और उप प्रधान हैं उनकी मीटिंग ली है और सभी ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि हम विरोध जो है हमारा वैसे ही जारी रहेगा और हम विरोध जो प्रदर्शन है वो हम जो आगे की रूपरेखा तैयार की है तो उसमें सभी की सहमति बनी है और सारे मिलजुल के रैली स्थल तक पहुँचने का काम करेंगे। पोस्टर भी आप लगाने वाले हो, क्या है पोस्टर, क्या देखो कुछ कुछ एक पोस्टर आज हमने लगाई हैं और आज स्टार्टिंग है पोस्टरों की क्योंकि 18 तक हम इतने पोस्टर कर देंगे कि कोई भी जगह नहीं रहेगी और कुछ हमें पता है प्रशासन ने इतना तैनात कर रखा है कि पोस्टर फाड़े भी जाएंगे तो भी हमने लास्ट टाइम तक 10,000 पोस्टर और छपवा रखे हैं और वो रैली स्थल में उड़ाने का काम भी करेंगे। देखो हमारी 30 तारीख को रैली हुई थी जींद के अंदर, उसके अंदर हमने ये निर्णय लिया था कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि सरकार हमारी बातें माने कि सरकार हमसे बात करना चाहती है तो 10 दिन का टाइम है क्योंकि उस टाइम के बाद हमने 11 तारीख को JJP और BJP के बहिष्कार के बोर्ड लगाए हैं गांव में। देखो जो सरकार पहल नहीं कर रही तो सरपंच कहाँ जाएगा, आम नागरिक कहाँ जाएगा, जो प्रदेश के मुखिया हैं आज हमसे बात करने को तैयार नहीं है तो हम जो जनता है वो कहाँ पे जाके खड़ी होगी। आज भी रैली की बात आई है तो हम देखो सारा निचोड़ निकाल के हम विरोध के लिए तैयार हुए हैं क्योंकि सरकार मारने को तैयार नहीं है। आज के दिन भी सरकार, फिर भी आज आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अब भी लास्ट टाइम है फिर भी बात करना चाहते हो तो आज भी आम नागरिक आपसे बात करने के लिए तैयार है पर बीच में कुछ तरह के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि कोई बीच में दलाल बन के हमसे बात करने का काम करे तो हम किसी से बात ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मेडिएटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम आज भी सरकार के साथ बात करने को तैयार हैं। अभी तक कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई चेयरमैन, किसी ने पहल नहीं की जिस पे आप भरोसा कर सकें, सरकार तक की तरफ से कोई ऐसा आदमी आए जिस पे आप ही भरोसा कर सकें। देखो सुबह कुछ एक मैसेज आया था कि मीनू बेनीवाल हमारे जो मैलनाबाद के जो सरपंच हैं उनको बुलाने का काम किया गया है और उन्होंने मीटिंग ली है। मैं सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पास कौन सा पद है जो आज वो बात करने की बात करते हैं और फिर भी उनमें बात आई है कि वो हमारे जो एलनाबाद हल्का के जो भी सरपंच है उनको खरीदने का काम किया गया है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी एकजुटता है वो वैसे ही कायम है और कोई भी इस तरह का काम ना करे जिसमें भी जो सरपंच हैं वो और ज़्यादा बढ़े।